नमस्कार मित्रों, बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है कॉलेज परीक्षाओं जुड़ी। इस वीडियो हम बात करेंगे भारत के सभी कॉलेज और विश्वविद्यालयों के परीक्षाओं के बारे में। यूजीसी ने इस महामारी को देखते हुए और छात्र हितों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया है और बड़ा ऐलान कर दिया गया है यूजीसी ने परीक्षाओं को लेकर। तो संपूर्ण अपडेट आपको इस वीडियो में मिलेगी, तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए। हमारी छोटी सी रिपोर्ट में बड़ी खबर, स्क्रीन पर आप बड़ी खबर देख सकते हो। स्थिति सामने न हुई तो इंटरनल असेसमेंट से पास करें, यूजीसी ने बड़ा आदेश दिया है। यदि स्थिति सामने न होती है तो बिना परीक्षा दिए आपको अगली कक्षा में प्रमोट किया जाए। देखिए पूरी खबर में हम विस्तार से देखेंगे। संकट के बीच विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी ने विश्वविद्यालयों के विकल्प दिया है कि यदि कोरोना संक्रमण की स्थिति सामने नहीं होती है तो छात्रों को इंटरनल और पिछले साल के प्रदर्शन के आधार पर प्रमोट करते हुए ग्रेडिंग दे दी जाए। उनमें इनमें 50% अंक 50% इंटरनल आंकलन और 50% अंक पिछले प्रदर्शन के आधार पर दिए जाएंगे। हालांकि ये विकल्प तब सुझाए गए हैं जबकि कोई अन्य विकल्प न बचे। वहीं यूजीसी ने एमफिल और पीएचडी के छात्रों को 6 माह का विस्तार देने और उनकी मौखिक परीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंस से कराने का यहाँ पे सुझाव दिया है। देखिए दोस्तों, यहाँ पे कॉलेजों को बड़ा आदेश दे दिया है कि यदि इस महामारी की स्थिति सामने न होती है तो विद्यार्थियों को इंटरनल जो असेसमेंट है यानी पिछली बार जो आपके एग्जाम हुए उनके आधार पर विद्यार्थियों को पास किया जाए। जिस प्रकार से आप मान के चले फर्स्ट ईयर में तो आपके जो 12th के आधार पर आपके कितने प्रतिशत आए थे उसके आधार पर आपको पास किया जाए। यूजीसी ने छात्र हितु में बड़ा फैसला दिया है। हालांकि अभी तक तो यही है कि आपके एग्जाम होंगे, लेकिन ये यूजीसी ने गाइडलाइन इसलिए जारी की है कि यदि स्थिति सामने नहीं होती है और इस महामारी का कहर ज्यादा हो जाता है तभी ये स्थिति अपनाई जाएगी और आपको बिना परीक्षा दिए अगले कक्षा में प्रमोट किया जाएगा। इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर लेके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।